दोस्तों जोरा नेटवर्क में जॉब्स करके एक एनएफटी है जिसकी एक प्राइस गाइस $69 है, जो 0.03 इथेरियम की है। तो आज की वीडियो में गाइस हम जोरा नेटवर्क एयरड्रॉप के बारे में बात करेंगे। इसकी ओल्ड वीडियो हमने आपको प्रोवाइड की थी, बट इस वीडियो में कुछ अपडेटेड टास्क हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। और इनका रिवॉर्ड की बात करें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये है कि इंसेंटिव्स एस एंड रिवॉर्ड देने वाले हैं, जो इसमें मतलब कुछ भी टास्क इंटरेक्ट वगैरह करने वाले हैं उनको। और हमने होपफुली जोरा एनर्जी के एनएफटी मिंट की थी, जो फर्स्ट वीडियो दी थी, ऑप्टिमिज्म जोर के एनएफटी मिंट की थी, और गिटकॉइन की एनएफटी भी मिंट की है, जो कल आपको अपडेट हमने टेलीग्राम में प्रोवाइड की थी। आपने वर्ल्ड कॉइन की भी एनएफटी मिंट की रहेगी, जो जोर्ब नेटवर्क के अंदर थी, तो उसके बारे में भी आपको अपडेट दी थी गाइस। तो होपफुली आपने जो जो मिंट की हुई है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, किसकी प्राइस क्या है, तो वो सब के बारे में आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि डिस्कॉर्ड में हमको वेरीफाइड रोल कैसे लेना है, और एक और जॉर्ब रोल रहता है वो कैसे मिलता है, वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कुछ मार्केट की अपडेट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है गाइस अपडेट बॉन्डेक्स। बॉन्डेक्स का गाइस है कि जो भी डिस्कॉर्ड था वो हैक हो चुका था बीच में, तो इसके बारे में हमने इधर बोल दिया था कि हैक हो गया, तो उसमें जो भी एयरड्रॉप आ रहे हैं बॉन्डेक्स में, वो कुछ क्लेम वगैरह करने मत जाओ। अभी एक और है कि बेल्जियम और फीवर का एलपास गिव अवे चल रहा है, तो सिंपल ज्वाइनिंग है, रजिस्टर करना है, गैलेक्सी जैसे में टास्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का है, जाके कर लो। और OKX सीजन 4 जो सुई टोकन का एयरड्रॉप मिलने वाला था, वो गाइस 15 दिन के अंदर आपको मिलेगा अपने OKX वॉलेट के अंदर। और सीजन 5 भी आने वाला है, जिसमें कि आप अगर लाइफ टोकन के लिए एलिजिबल हो तो उनको मतलब डायरेक्ट जाके क्लेम ही करना, कुछ टास्क वास्क नहीं करना है, ठीक है। और इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। और अवेवी माइनिंग का MPC वॉलेट आ चुका है, जाके क्रिएट कर लो। इसमें आपको बताया है कि सिंपल है, जाके क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करो, MPC वॉलेट एक ही सेकंड में क्रिएट हो जाएगा। और सुप्रा में है कि गाइस दिया हुआ है 13 मिशन का आंसर, तो आप जाके चेकआउट कर लो। और इधर आंसर आपको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। रीज़न है कि आंसर इसमें है कि ऑप्शंस ABC में डाल रहे हैं, बट आंसर आपको रीड करना है, आंसर एक ही है जो सही है, ठीक है। एंश्योरिंग फेयर एंड अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, यही आंसर है, बट ABC ऐसा चेंजेस ऑप्शन में आया है, ठीक है, जाके चेकआउट कर लो। तो गाइस सबसे पहले जोरा नेटवर्क का एक स्टार्टिंग से अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो आपको एक महीने पहले वीडियो दी थी उसमें हमने टास्क ऑलरेडी बता चुके हैं, बट अगर न्यू यूज़र हैं, आधे से स्टार्ट करूँगा तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस इसमें है कि आपको नेटवर्क ऐड करना रहता है अपने मेटामास्क में। कौन सा नेटवर्क ऐड करना रहता है? जोरा का नेटवर्क ऐड करना रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, chainlist.org में जा सकते हो, उधर से जोरा नेटवर्क ऐड कर सकते हो, या फिर एक और मेथड है, वो भी आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ फंड डिपॉजिट भी करने पड़ते हैं, और ये नेटवर्क करेगा जोरा, और यहाँ पे इथेरियम में डिपॉजिट करने पड़ते हैं। और ये कुछ भी या कोई टेस्टनेट में नहीं है, ये सब कुछ मेननेट में, जिसमें आपके रियल पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ब्रिज कैसे होता है। इधर डिपॉजिट सेक्शन आएगा, ये वाली लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको सिंपल इथेरियम से जोरा नेटवर्क में डिपॉजिट करना रहता है। तो आपको सिंपल क्या करना है गाइस, इधर आपको एक इथेरियम में जो भी है लिख देना है, उसके बाद ब्रिज है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और ब्रिज पर क्लिक करते ही आपको एक ट्रांजेक्शन आएगा, ट्रांजेक्शन इन द सेंस आप भेज रहे हो। तो इधर देख लो, गैस फीस आपको $2 तक लगेगी, ठीक है। तो आप ये ब्रिज कर लो, और ब्रिज के टाइम पे एक ध्यान रखो, आप इतना ही अमाउंट भेजो कि मतलब $10 है तो $10, 20 है तो 20, ऐसा नहीं कि $100-$200 मत भेजना, क्योंकि वो आपको मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्रिज कर लिया तो आपके जोरा नेटवर्क में अमाउंट आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो एक विड्रॉल करके दिया हुआ, ठीक है। तो विड्रॉल पर क्लिक करेंगे, स्विच नेटवर्क करेंगे, मतलब आपका डिपॉजिट होने के बाद आप अगर विड्रॉल करने जाओगे जोरा नेटवर्क से तो क्या इश्यू हो सकता है, वो भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे विड्रॉल करने जाओगे तभी आपको है कि इधर आप देखना कि आपकी गैस फीस वगैरह कितनी लग रही है, 0.005 सिर्फ प्रूव करने के लिए, क्लेम विड्रॉल करने के लिए 0.009 लग रही है, वो भी एक घंटे के अंदर होगा, मतलब ओवरऑल आपको 0.01, ठीक है, उतना तो सिर्फ गैस फीस में चला जाएगा। तो मतलब ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि विड्रॉल आप मत करने जाओ फिलहाल में, और डिपॉजिट करोगे उतना ही करोगे जितना आप अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, इतना बात क्लियर। और इनका जो एयरड्रॉप है वो कंफर्म है। अभी ये कैसे पता चल रहा है कि इनके डॉक्स में आप जाके चेकआउट करोगे, यहाँ पे इन्होंने है कि क्लियरली मेंशन भी कर चुके हैं गाइस, और मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था इनका एयरड्रॉप कंफर्म है, तो आप बिल्कुल मिस मत करने जाओ। अगर आपने फर्स्ट से फॉलो किया रहेगा तो आपको एक प्रॉफिट भी हुआ है, क्या है वो बताऊँगा।
तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि सर्टन इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर यूज ऑफ द सर्विस, मतलब इसमें इंटरेक्ट करेगा उनको है। और ये जोरा है कि अगर एक NFT मार्केट प्लेस है जैसे ओपन सी का मार्केट प्लेस है वैसे, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ कि आपका मतलब वॉलेट इसमें है कि इंटरेक्ट करना पड़ेगा जो भी वॉलेट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मेनली इंसेंटिव मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेगा, ये कंफर्म है। फर्स्ट वीडियो में भी बताया, जो सबसे पहले वीडियो दी थी ये 1 मंथ पहले। और गाइस आप सबको पता है कि ये वाली एनर्जी NFT थी जो जोरा की, वो हम सब ने मिंट की थी फर्स्ट वीडियो देख के, तो उसमें आपको प्रॉफिट हुआ है 10x का अब तक प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये एक तो मेन आप समझ गए। और ये NFT एक करके मिंट करनी नहीं थी, आप एक वॉलेट से कितनी भी मिंट कर सकते थे, बट जो भी अमाउंट आएगा वो पूरा जोरा नेटवर्क में आएगा आप जब सेल करने जाओगे OpenSea NFT मार्केट प्लेस में। सेकेंड, जो ये वाली ऑप्टिमिस्टिक जॉब की NFT भी मिंट कराई थी गाइस आप सबसे, ठीक है। और जो गाइस तीसरी NFT की बात की थी मैंने, वो की थी वर्ल्ड कॉइन की। ये चाहे तो कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट है तो करो, वरना मत करो, क्योंकि इसमें जो फीस लगेगी वो थोड़ी ज़्यादा ही लग रही है, ठीक है। तो आप देख लो इसके बारे में भी। तो गाइस अभी बात कर लेते एक मेन इंपॉर्टेंट हो सकता है जॉब्स बाय जोरा करके एक NFT कलेक्शन से, वो आप देख सकते हो ओपन सी के अंदर है, और जिसकी प्राइस आप देख सकते हो 0.035 इथेरियम की है। तो इतनी महंगी प्राइस पे है, और इसका रोल भी आपको डिस्कॉर्ड में मिल रहा है अगर ये NFT होल्ड है तो। बट $69 भाई बहुत हो गया है ये, ठीक है। बट ये NFT जिसके पास रहेगी उसको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलने वाला ही है, ये श्योर है, क्योंकि रोल भी इसके वजह से मिल रहा है उधर, ठीक है। बट ये $69 की है, इसलिए देखो मैं तो अफोर्ड नहीं कर रहा हूँ, आप करना है तो कर सकते हो, ठीक है। बट ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल ज़रूर निभाएगा जोरा नेटवर्क के एयरड्रॉप पे। एक और गाइस, ये वाली NFT आप जाके मिंट कर लो, गिटकॉइन इम्पैक्ट वाली, ठीक है। और इसके बारे में मैंने टेलीग्राम में आपको अपडेट दे दी थी, तो आपने मिंट किया तो अच्छी बात है। इसको भी सिंपल से आपको मिंट कर लेना है, एक दो कितने भी कर लो, क्योंकि आपको एनर्जी NFT से पता चल ही रहेगा कि 10x प्रॉफिट हुआ था, ये भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या करना है, मिंट करके 1 से 2 जोरा नेटवर्क में NFT मिंट कर लेनी है। तो होपफुल ये भी कर लोगे तो हमारे पास 1 से 2 NFT हो जाएगी जोरा नेटवर्क के अंदर मिंट की हुई, तो हमने इंटरेक्शन किया जैसे हो जाएगा, ठीक है। और सब ये लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम में गाइस, तो टेलीग्राम मेक श्योर ज्वाइन कर लो। तो अभी आ जाते हैं गाइस मेन टास्क के ऊपर, जो आज की वीडियो में स्पेशली बताने वाला था, वो है गाइस आपको इसमें आके NFT क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक टास्क है दिया हुआ, तो सिंपल इसमें भी आपकी गैस फीस वगैरह लगने वाली, तो क्रिएट है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एडिशन सिलेक्ट करना है कौन सी आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप एडिशन है इसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक नाम लिख देना है NFT का, सिंबल लिख देना है, डिस्क्रिप्शन लिख देना है, NFT आप जो भी रहेगी उसको अपलोड कर लेना है, और प्राइस लिख देनी है, उसके बाद पूरा मिनी है कि क्या है वो सब लिख देना है। मैं पूरा एक बार फिलआउट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो नाम मैंने फिलअप किया है, सिंबल फिलअप किया है, डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बिटकॉइन का डाल दिया है, प्राइस आप कम रखना है इधर, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ओपन ही रहने दो, नो रहने देना, ये सब ऐसे ही रहने देना। रॉयल्टी 5% रखा है, आप चाहे तो ज़्यादा रख सकते हो। और सिंपल इधर नेटवर्क में आपको जोरा नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस रहेगा, क्रिएट है, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अपने मेटामास्क में एक ट्रांजेक्शन आएगी, वो कंप्लीट कर लेना जो जोरा नेटवर्क के अंदर रहेगी, ठीक है। तो गाइस देख लो 2.41 के लग रही है, आपको $2 तक भी लग सकता है, ठीक है। तो कंफर्म है, मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। ये NFT हमने क्रिएट की है जोरा नेटवर्क के अंदर, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारा ट्रांजेक्शन कर लिया, जैसे ब्रिज रो, NFT मिंट रो वगैरह कर लिया, ठीक है। सॉरी गाइस, ये NFT क्रिएट है, इसको जाके हम चाहे तो मिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपल अपने इसके अंदर जाके जो आपने NFT क्रिएट की है, ठीक है, उसको जाके आप मिंट भी कर सकते हो। उसके लिए क्या रहता है कि यहाँ पे जो सिंबल रहता है उसके ऊपर क्लिक करके अपने NFT पे उधर चले जाना, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो कलेक्शन रहेगा, माई कलेक्शन रहेगा, मैनेज कलेक्शन, उसके ऊपर जाके अपनी जो खुद की NFT रहती है उसको ही आपको मिंट कर लेना, क्योंकि ये भी गाइस आपने NFT क्रिएट कर ली है बट आपने खुद ने अभी तक मिंट नहीं किए, तो आपको सिंपल इधर मिंट है, मिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको देखो 1 या 2 आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, मैं इधर 2 कर रहा हूँ, मिंट पे, मिंट के ऊपर क्लिक करूँगा। और ये अपनी कहाँ NFT मिंट हो रही है गाइस, जोरा नेटवर्क के अंदर। इधर भी आपको फीस लगेगी थोड़ी, वो आपको देनी पड़ेगी। तो हमने इस तरीके से इसमें देखो ट्रांजेक्शन कितना तक कर चुके हैं, ठीक है, तो आप वो देख लो। तो ये देखो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, तो हमने देखो ट्रांजेक्शन कितनी कर ली है वो आप देख लो। तो इस तरह आप इसमें ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
कि डिस्कॉर्ड में दो रोल्स है गाइस, इसमें आप देख सकते हो डिस्कॉर्ड में है कि दो रोल्स आ रहे हैं, एक तो जॉर्ब एक और वेरीफाइड। तो इसमें ये दोनों रोल कैसे मिलते हैं वो आपको अभी बता देते। जॉर्ब रोल के लिए आपके पास है क्या, जॉर्ब बाय जोरा की ये एनएफटी होनी चाहिए। ये जो भी डिस्कॉर्ड है ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन करते नीचे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर कनेक्ट पे क्लिक कर देना है और सिंपल एक पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ अपना मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में जोरा नेटवर्क के एयरड्रॉप के बारे में। लास्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइस ये वाला क्या बोलते हैं वो मोमो टोकन जो था उसके बारे में। उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कम्युनिटी के साथ बकवास कर दिया है कि इन्होंने पहले क्या बोला था 0.1 प्राइस रहेगी, बट अभी देखने जाए तो 5000 मोमो टोकन के मिला के भी प्राइस है कि $0.2 भी नहीं बनती, $1 भी नहीं बन रही है और गैस फीस लग रही है $13। इसलिए मैंने इसके बारे में वीडियो नहीं दी क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि मैं कर रहा हूँ कि देखने के लिए न्यू टोकन है तो शायद प्रॉफिट हो जाए, बट इन्होंने तब जो बोला था उससे अभी मुकर गए, $0.1 बोला था आपको मैंने, वो दिखाया भी था, अभी जाके ये बोल रहे। तो सब गाइस बोलते हैं ना खुद पैसा अपना कमाने के लिए आते हैं, ये हो गया है। तो जो भी है मैंने आपको क्लियरली बोल दिया, ये अभी स्वाइप अगर करने मत जाओ, ऐसे पड़े रहने दो, देखते हैं आगे जाके कुछ अच्छा होता है तो गैस फीस तो निकले एटलीस्ट, तभी जाके हम करेंगे, ठीक है। और गाइस बाइबिट एक्सचेंज पे एक ऑफर चल रहा है, उसमें दिया कि वीकली लकी ड्रॉ रहता है तो आईफोन 14 प्रो तक मिल सकता है जो $1,100 का है। तो उसके लिए क्या रहेगा, इधर लिखा हुआ है ईच वीक विल रैंडमली चूज 10 व्यूअर्स अमंग द एलिजिबल पार्टिसिपेंट, रिवॉर्ड देम विद प्राइजेस लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो इसमें तीन टास्क करने पड़ेंगे, पहले तो आपके पास बाईबिट अकाउंट रहना चाहिए और लेवल 1 की KYC होनी चाहिए। उसके बाद आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने पड़ेंगे एटलीस्ट $100 का, तभी आपको इधर क्या मिलेगा, $25 भी बोनस मिलते हैं इन्होंने बोला हुआ है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि ट्रेड करना पड़ेगा $500 का, मतलब कैसा रहता है, आप स्पॉट ट्रेड में 3-4 बार कर लो तो $500 हो जाता है, या फिर फ्यूचर ट्रेड में करते तो $500 हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये क्लियरली बोला कि $500 स्पॉट्स और डेरिवेटिव्स एंड गेट एनरोल्ड ऑटोमेटिकली इन वीकली ड्रॉ। इसमें मतलब क्या रहता है कि सबको नहीं मिलता है गाइस, वो बोलते हैं ना लॉटरी जैसा किस्मत हुआ तो, बट ये बाईबिट एक्सचेंज का साइट से आईफोन किसको चाहिए जाके ट्राई कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना और ऐसे अपडेट हम लाते रहेंगे, मिलते हैं अगले दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।